हमारे फिटनेस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकली कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि उन पर रिसर्च ने सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है। पर मैं उन पर अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, आप फिकर नॉट। पर मैं आज बात करना चाहता हूँ सप्लीमेंट्स की जो असल में काम करता हो और आपके पैसों का वैल्यू भी हो। तो फिर चलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स विच एक्चुअली वर्थ योर मनी। मेरे लिस्ट में सबसे पहला आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन इस धरती के सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए एक सप्लीमेंट है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। दो मेटा एनालिसिस ने 1000 स्टडीज थी उनमें ये दिखाया है कि अगर हम सब क्रिएटिन को यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और एंडोरेंस को ज़्यादा करता है। क्रिएटिन हमारा बॉडी का ATP PC सिस्टम को एनहांस कर देता है, जिससे हमारा बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा जिम में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा और डेली एक्टिविटीज़ में भी। और क्रिएटिन हमारा बॉडी का इंटरसेलुलर वाटर रिटेंशन को ज़्यादा करके हमारे मसल से इसको ज़्यादा कर सकता है और ज़्यादा दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ एक प्रोसेस चल रही होती है जिसका नाम है सेल स्वेलिंग। अगर हम उन स्टडीज में देखें तो क्रिएटिन ने एडिशनली कुछ 5 से 6 kg का मसल मास इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू अ नॉन यूजर्स। अगर हम माई पार्टिसिपेंट्स की तो क्रिएटिन ने एडिशनली कुछ 100 मैक्स में 26 pounds या 11 kg का एडिशनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है एज कम्पेयर टू नॉन यूजर्स। आपको 3 से 5 gram को पानी में मिक्स करके डेली लोगे तो आपका मसल फुल्ली सैचुरेट होने में कुछ 28 days का टाइम लगेगा। आपको लोडिंग फेस का जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएटिन का एक लौटा साइड इफेक्ट है बार्निश, जिससे हमारे जिम से ज़्यादा लगता है। जहाँ तक आपके मॉम्स डैड को एक फुल हेड ऑफ हेयर है तो आपको बार्निश नहीं होगा। मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हमारे डेली प्रोटीन गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है जब वो अकेले डाइट से नहीं हो पाती है। वे प्रोटीन से हम सिर्फ 10 मिनट में 30 या उससे ज़्यादा ग्राम की प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन में केसिन और सोया से बेहतर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोया से वे प्रोटीन का टेस्ट बहुत अच्छा है और केसिन से वे प्रोटीन का दाम कम है। मेरे इसमें तीसरे नंबर पर आता है कैफीन। कैफीन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सप्लीमेंट है जहाँ करोड़ों लोग यूज़ करते हैं अपनी नींद को भगा कर काम करने के लिए। कैफीन हमारे सेल्स का कैल्शियम मोबिलाइजेशन को ज़्यादा कर देता है, जिससे हमारा स्ट्रेंथ टेम्पररी बढ़ जाता है, जिससे हमारा बॉडी एडिशनली कुछ 12 से 30 कैलोरीज मोर बर्न कर सकते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू मोर फैट लॉस। अगर आई बात स्ट्रेंथ की तो कैफीन एडिशनली कुछ 12% की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट। कैफीन को यूज़ करने के लिए कोई सेट डोसेज नहीं है, आपको खुद ही यूज़ करके उसका डोसेज आपको क्या कम करता है वो पता करना पड़ेगा। पर आपको साइड इफेक्ट से दूर रहने के लिए 500 mg से कम रहना पड़ेगा। और यही था दोस्तों मेरा 3 सप्लीमेंट की लिस्ट, क्रिएटिन, वे और कैफीन। और दोस्तों मैं इन सप्लीमेंट्स को जज किया हूँ उनके एथलेटिक परफॉर्मेंस पर हुए इफेक्ट्स पर, उनकी प्राइस पर और उन पर किए हुए स्टडीज़ पर।